अ क्वाइट प्लेस 2 की शुरुआत में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि कुछ सामान लेने ग्रोसरी स्टोर में जाता है, जहां वो न्यूज़ देखता है कि कहीं पे कोई बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के पास जाता है जहां ली की वाइफ एवलिन अपने छोटे बेटे बो के साथ खेल रही होती है और ली की बेटी रेगन उसका इंतजार कर रही होती है ताकि वो दोनों साथ में मार्कस का बेसबॉल मैच देख सके। अब मार्कस बेसबॉल खेलने के लिए रेडी होता है कि तभी बेसबॉल मैच के बीच ऐसा लगता है जैसे कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो। सभी लोग एस्ट्रॉइड को देखकर मैदान छोड़कर जाने लगते हैं। रेगन अपने डैड के साथ जाती है जबकि एवलिन अपने दोनों सन को लेकर वहां से जाती है। तभी ली एक पुलिस ऑफिसर से एस्ट्रॉइड के बारे में पूछ ही रहा होता है कि अचानक से एक एलियन पुलिस ऑफिसर की कार को पलट देता है, जिसे देखकर ली डरकर रेगन को लेकर बार में छुप जाता है। जबकि एक एलियन बार के बाहर ही घूम रहा होता है और आवाजों को सुनने की कोशिश करता है कि तभी बार में एक लेडी का फोन रिंग होता है, जिसे सुनकर एलियन बार में अटैक कर देता है। लेकिन ली और रेगन किसी तरह से बार से बाहर आ जाते हैं और वापस एवलिन के पास जाने लगते हैं कि तभी एलियन ली और रेगन का पीछा करने लगता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर उन्हें बचाने के लिए एलियन को शूट करने लगता है लेकिन एलियन ऑफिसर को ही मार डालता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट करके वापस हमें 474वें दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर ली तो एलियंस के द्वारा मारा गया था लेकिन एवलिन ने रेगन और मार्कस के साथ मिलकर सारे एलियंस को खत्म कर दिया था, जिस वजह से उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इसलिए वो अब नई जगह की तलाश में निकलते हैं जो कि कुछ ही दूरी पर होती है। वहां से जाने से पहले एवलिन अपने छोटे बेबी के लिए एक ऑक्सीजन टैंक साथ में रख लेती है। दूसरी तरफ रेगन अपने साथ मैप और रेडियो रख लेती है ताकि वो एलियन से लड़ सके, क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि उसकी ईयर मशीन से निकल रही हाई फ्रिक्वेंसी एलियंस को कमजोर कर देती है, जो कि उसके पास एलियंस के अगेंस्ट बहुत बड़ा वेपन है। अब ये पूरी फैमिली सुनसान अपने गन्स लिए वहां से ली के द्वारा बनाए गए रेत वाले रास्ते से गुजरती है। तभी वो लोग कुछ दूरी पर जाने के बाद रेलवे ट्रैक्स तक पहुंच जाते हैं, जहां गलती से एवलिन का पैर एक वायर में फंस जाता है, जिससे कि वहां पर बहुत जोर की साउंड होती है। अब ये पूरी फैमिली समझ जाती है कि आवाज होने के कारण एलियन वहां पर कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो तेजी से भागने लगते हैं कि तभी मार्कस का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है कि तभी एवलिन उसके मुंह को बंद करके उसे चुप करवाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर एक एलियन आ जाता है, जिसे देखकर रेगन तुरंत अपनी ईयर मशीन को स्पीकर पे चला देती है, जिससे कि एलियन कमजोर पड़ जाता है। और तभी एवलिन यानी रेगन की मदर एलियन को शूट करके मार डालती है। उसके बाद वो फिर से भागने लगते हैं कि तभी दूसरा एलियन उनका पीछा करने लगता है कि तभी एक एमिट नाम का आदमी उनकी जान बचाने आता है। जहां एलियन उनके जस्ट पीछे होता है कि तभी एमिट पूरी फैमिली को अपने बेसमेंट वाले साउंड प्रूफ बंकर में ले जाता है, जहां एवलिन एमिट को पहचान जाती है। एमिट एवलिन के हस्बैंड ली का दोस्त होता है, जो कि बचपन में रेगन और मार्कस को अपने बच्चों के साथ में स्कूल ड्रॉप किया करता था। तभी एमिट एवलिन को बताता है कि उसकी वाइफ और सन दोनों मर चुके हैं। उसके बाद एवलिन मार्कस के पैर के जख्म को अल्कोहल से ठीक कर देती है, जिससे मार्कस जोर से चिल्लाता है लेकिन बंकर साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। उसके बाद एवलिन एमिट को बताती है कि ली की डेथ हो चुकी है। फिर रेगन रेडियो ऑन करके मार्कस को हेडफोन लगा देती है ताकि उसका पेन कम हो जाए। तभी मार्कस अचानक बियॉन्ड द सी प्लेन वाला सॉन्ग सुनता है और उन्हें ये रियलाइज होता है कि इस सॉन्ग को कोई ना कोई जरूर प्ले कर रहा है, लेकिन एमिट कहता है कि ये सॉन्ग हमेशा से ही चलता रहता है। अब रेगन फिर मार्कस को बताती है कि उसे लगता है कि ये सॉन्ग एक कोड है और वो उसका मैप के जरिए पता लगा सकती है, बट मार्कस इन सब बातों पर बिलीव करने से मना करता है। लेकिन रेगन मॉर्निंग में ही सॉन्ग की लोकेशन का पता लगाने निकल जाती है। तभी एवलिन देखती है तो रेगन उसे मिसिंग मिलती है, जिस वजह से एवलिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एमिट से रेगन को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ रेगन चलते चलते कुछ दूरी तक पहुंचती है, जहां उसे एक ट्रेन मिलती है। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहां पर कुछ कौवे आकर शोर करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर एक एलियन आ जाता है। रेगन अपनी ईयर मशीन को ऑन कर देती है और फिर एलियन को शूट करने लगती है, लेकिन उसका शॉट मिस हो जाता है और एलियन उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी एमिट वहां पर आकर एलियन को शूट करके उसे मार डालता है। वो रेगन को वापस चलने के लिए बोलता है लेकिन रेगन एमिट को वापस चलने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ एवलिन मार्कस को बेबी के साथ छोड़कर मेडिकल सप्लाईज लेने बंकर
बंकर से बाहर जाती है, जहां एवलिन अपने छोटे बेटे बो के मेमोरियल पर कुछ देर रुकती है। उसके बाद एवलिन एक स्टोर में जाती है, वहां से वो मेडिसिन और दो ऑक्सीजन टैंक अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ मार्कस एमिट की प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए बंकर से बाहर आता है कि तभी वो एक्सीडेंटली एमिट की वाइफ की डेड बॉडी को देख लेता है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, जिसे देखकर मार्कस बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसी वजह से वहां पर कुछ सामान गिर जाता है, जिससे एलियन अलर्ट हो जाता है। मार्कस तभी दौड़ते हुए बंकर में चले जाता है, जिस वजह से बंकर जल्दीबाजी में लॉक्ड हो जाता है और उसी कारण मार्कस और बेबी दोनों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दूसरी तरफ एमिट रेगन की जिद से वहीं रुक जाता है और उसके साथ उस लोकेशन को खोजते हुए मरीन के पास पहुंच जाता है, जहां एमिट एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखता है। तो वो उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है, वो बच्ची उसके गले में रोप डालकर उसे ट्रैप में फंसा देती है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो कि रेगन से उसकी ईयर मशीन ले लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी एमिट रेगन को इंस्ट्रक्शन देते हुए इशारों में पानी में कूदने को कहता है और रेगन पानी में कूद जाती है। उसके बाद एमिट नॉइस क्रिएट करता है और फिर उनके लीडर के पैर पे चाकू मारता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है और एमिट तुरंत पानी में कूद जाता है। तभी उस आदमी की आवाज सुनकर बहुत सारे एलियंस वहां पर आ जाते हैं और उस लीडर की गैंग पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। और जैसे ही एलियंस वहां से चले जाते हैं, रेगन एमिट को पानी से बाहर बोट में खींच लेती है। दूसरी तरफ एवलिन वापस बंकर के पास आ जाती है, जहां उसे एक एलियन के होने का आभास होता है। तभी वो एक ऑक्सीजन टैंक को फ्यूल के पास रख देती है और जैसे ही एलियन वहां पर आता है, वो उस ऑक्सीजन टैंक को शूट कर देती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है और उसी आग में एलियन जलने लगता है। मगर फिर भी एलियन को उस आग से कुछ नहीं होता, बट एवलिन के उस धमाके से वाटर पाइप ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर पानी फोर्स से गिरने लगता है, जिससे काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट होती है। और इसी का फायदा उठाकर एवलिन बंकर में घुस जाती है और बंकर का डोर सेफली बंद कर देती है। दूसरी तरफ रेगन और एमिट बोट के जरिए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां वो काफी सर्वाइवर्स को आराम से रहते हुए देखते हैं और वो लोग वही सॉन्ग प्ले कर रहे होते हैं जो रेगन की रेडियो पे चल रहा था। तभी वो लोग एमिट से पूछते हैं, तुम्हें हमारा कोड सॉन्ग के जरिए मिल गया था, लेकिन क्योंकि ये सब रेगन की वजह से हो पाया था, इसीलिए एमिट सारा क्रेडिट रेगन को देते हुए कहता है ये सब रेगन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। उसके बाद वहां पर एक आदमी एमिट को बताता है, जैसे ही गवर्नमेंट को पता लगा कि एलियंस स्विम नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने बोट भेजकर सभी लोगों को आइलैंड पे भिजवाने की कोशिश करी थी, लेकिन लोगों की अफरा दफरी की वजह से सारे एलियंस बोट की तरफ अट्रैक्ट हो गए और जिससे सभी लोग मारे गए और इस आइलैंड पे बस दो बोट्स में गिने चुने लोग ही आ पाए। उसके बाद मॉर्निंग में एमिट एक एलियन की आवाज बोट में से सुनता है। वो तेजी से भागते हुए लोगों को अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन एमिट से पहले उन लोगों तक पहुंच जाता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। फिर रेगन और एमिट उसी आदमी की कार में बैठ जाते हैं ताकि वो एलियन को लोगों से दूर ले जा सके। वो आदमी रेगन और एमिट को रेडियो स्टेशन में ले आता है, इससे पहले कि वो आदमी कुछ कर पाता, वो एलियन उसे मार डालता है। अब रेगन और एमिट एलियन को अटैक करके रेडियो स्टेशन की तरफ ले आते हैं, जहां वो सॉन्ग प्ले हो रहा था। एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में एमिट वहीं पर गिर जाता है, लेकिन रेगन किसी तरह से कंट्रोल रूम पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसी वक्त एवलिन को पता चलता है कि एलियन किसी तरह से बंकर में आ चुका है और वो एवलिन पे अटैक करने वाला होता है। तभी दूसरी तरफ रेगन अपनी ईयर मशीन को माइक पे चला देती है, जिससे वो एलियन कमजोर पड़ने लगता है। तभी मार्कस रेगन के द्वारा प्ले करी गई ईयर मशीन की हाई फ्रिक्वेंसी को रेडियो पे सुनता है और उसे फुल वॉल्यूम में चलाते हुए शॉटगन लेकर एलियन की तरफ बढ़ने लगता है और फिर एलियन के हेड में शूट करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रेगन माइक स्टैंड से ही एलियन को मारने लगती है और फिर वो स्टैंड को एलियन के सर के आर पार कर देती है, जिससे कि वो एलियन वहीं पे मर जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।